नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC ऑनलाइन टेस्ट का। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द कुछ लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आज का जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके क्वेश्चन है जो परी जी ने भेजे हैं, तो मतलब आज का ऑनलाइन टेस्ट आपका उन क्वेश्चंस पे है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर है? तो और मार्च की तैयारी अब हो गई है जारी, तो बिल्कुल जुट जाइए आज से ही और प्रॉपर एक नोटबुक के साथ क्वेश्चंस लिखते रहिए। 500 to 600 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं, जिससे आसानी से आपका पेपर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भीम का प्रयोग बिना इंटरनेट के कर सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड का टाइम है, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। अब कैसे होगा जरा ध्यान से समझना। भीम क्या है भाई? ऑनलाइन चलता है, क्लियर है, लेकिन भीम की जो USSD सर्विस है वो विदाउट इंटरनेट चलती है, वो भी भीम का ही पार्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, भीम का यूज हम कर सकते हैं, भीम यूपीआई का, जबकि हमारे मोबाइल पर इंटरनेट ना हो, इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। QR तथा UPI समान है? ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकंड का टाइम है। गुड, चैट में राइट आंसर आना शुरू हो गया है और सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाइएगा, बुक से पढ़ते जाइएगा, जिससे आपका आसानी से मार्च का पेपर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। QR और UPI समान है? जी नहीं, ट्रू नहीं होगा। क्या होगा भाई? फॉल्स होगा। जिन लोगों ने ट्रू आंसर दिया वो क्या है, गलत है। ठीक है भाई, QR अलग चीज है, QR कोड है और UPI क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो दोनों में कोई समानता नहीं है। ए ऑप्शन नहीं था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। डॉक्यूमेंट में पिछले पेज पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन पेज डाउन, बी ऑप्शन पेज अप, सी ऑप्शन लेफ्ट एरो, डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यहां बुलेट में कोई प्रॉब्लम हो है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर बताइएगा जल्दी से राइट आंसर, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। 5 सेकंड का टाइम है। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल अभी से लग जाइए मार्च की तैयारी में, जिससे अच्छे ग्रेड के साथ सभी लोग क्या हो सकें, पास हो सकें। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। समझिएगा, पेज अप से भी हम पिछले पेज पे जा सकते हैं और लगातार यदि हम लेफ्ट एरो की को भी दबाए रखें फिर भी हम पिछले पेज पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो यहां बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा क्वेश्चन ये भी आया है आपके एग्जाम में। फुटनोट का प्रयोग कहां करते हैं? ए ऑप्शन पेज के ऊपर, बी ऑप्शन पेज के नीचे, सी ऑप्शन डॉक्यूमेंट के नीचे, डी ऑप्शन डॉक्यूमेंट के ऊपर। 5 सेकंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पेज के नीचे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के नीचे नहीं, सी नहीं होगा, बी होगा। फुटनोट जो हमारा होता है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के नीचे वाले भाग में लगता है, जबकि हेडर भी हमारा क्या होता है, ऊपर होता है, और फुटर कहां होता है, नीचे होता है। ठीक है, फुटनोट और फुटर कहां होंगे, पेज के नीचे। हेडर कहां पे होगा, आपका पेज के ऊपर। ठीक है, याद रखना, फिर से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। कैलसी में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन F1, बी ऑप्शन F2, सी ऑप्शन F3, डी ऑप्शन F4। 5 सेकंड का टाइम है। गुड, चैट में राइट आंसर आने में शुरू हो गया और ये पिछले 4 महीनों से आ रहा है लगातार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन करके याद कर लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा F2।
कैलसी में सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैक स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बी ऑप्शन मीडियम एक्सेस कंट्रोल, सी ऑप्शन मैनी एक्सेस कंट्रोल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और मैक 48 बिट का होता है और क्या होता है, फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, इस बार भी एग्जाम में आ चुके हैं और अगली बार भी क्या होगा, आने के पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, हैज एरर कब आती है? ए ऑप्शन फंक्शन गलत होने पर, बी ऑप्शन फॉर्मूला गलत होने पर, सी ऑप्शन नंबर कॉलम विथ से अधिक होने पर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड का टाइम है, बताएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर होगा, नंबर कॉलम विथ से क्या होते हैं, यदि अधिक है तो वहां पर हैज की एरर आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए करते हैं, ए ऑप्शन होम, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस होम, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस होम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 5 सेकंड का टाइम है। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर आपका होगा ये होगा होम। ध्यान रखना, जब भी हमें लाइन की शुरुआत में जाना होता है तब हम होम की का यूज करते हैं, और जब डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना होता है तो कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, लाइन की शुरुआत में तो होम यूज कर लेंगे, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में तो कंट्रोल प्लस होम का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूएसएसडी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन स्टार 99 हैज, बी ऑप्शन स्टार 66 हैज, सी ऑप्शन स्टार 77 हैज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। जी हां, बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्टार 99 हैज। ध्यान रखिएगा, यूएसएसडी के लिए क्या प्रयोग होता है, स्टार 99 हैज क्या होता है, प्रयोग होता है। ध्यान रखना, पिछले 4 महीनों से लगातार पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज के ऑनलाइन टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। रोम वोलाटाइल मेमोरी है, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, जो भी मैक्सिमम हेल्प हो सकेगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और बिल्कुल मार्च की तैयारी में अभी से जुट जाइए जिससे अच्छे ग्रेड के साथ आप सभी लोग पास हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फॉल्स। ठीक है भाई, रोम वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, ध्यान रखना रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, जबकि रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी का क्या है, उदाहरण है। इस पॉइंट को दोनों को याद रखना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। तो ये थे अभी के क्वेश्चन, कल मिलते हैं रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। प्रिपरेशन में जुट जाइए क्योंकि हमें अच्छे ग्रेड के साथ क्या करना है, पास होना है। क्लियर है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। गुड बाय।